हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे एचपी लेजरजेट M208DW प्रिंटर का। डी से तात्पर्य है डुप्लेक्स, डब्ल्यू से वायरलेस या वाईफाई, डी इंडिकेट्स इट्स डुप्लेक्स एंड डब्ल्यू पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स वायरलेस सपोर्ट। ये देखिए मॉडल नंबर आपको दीजिएगा। ये पुराने मॉडल 1600DN का रिप्लेसमेंट है। बॉक्स के राइट साइड में देखिए इस प्रिंटर में कुछ विशेषताएँ लिखी गई हैं। ये एट अ ग्लांस आपको सेक्शन दिखेगा राइट साइड में, वहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, फंक्शन है प्रिंट का। देन सेकंड पॉइंट है, इन द पॉइंट इज कनेक्टिविटी में है, इट सपोर्ट्स डुअल बैंड वाईफाई विद सेल्फ रीसेट। डुअल बैंड वाईफाई मींस लाइक सम डिवाइसेस वर्क ऑन ओनली ऑन सिंगल बैंड लाइक से 2.5 GHz, बट सम सपोर्ट्स डुअल बैंड लाइक 5 GHz एंड 2.5 GHz बोथ। डिवाइसेस गेट कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर सपोर्ट, यानी दो प्रकार के बैंड सपोर्ट करता है, 2.5 और 5 GHz का। ज़्यादातर पुराने वाईफाई डिवाइस सिर्फ 2.5 GHz में सपोर्ट करते थे, उस पर वर्क करते हैं। बिल्ट इन फास्ट इथरनेट मिल जाएगा आपको, लैन या इथरनेट केबल आप प्रिंटर को नेटवर्क में उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट स्पीड है 29 पेज पर मिनट का A4। पेपर हैंडलिंग 150 शीट्स, इनपुट ट्रे। हम ऊपर की ओर देखते हैं, प्रिंटर को ओपन कर लेते हैं, कुछ आपको मैनुअल्स मिल जाएंगे। और वाईफाई कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक यूजर गाइड है, अब वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब प्रिंटर को हम ओपन कर लेते हैं और रैपर सारे रिमूव करते हैं फटाफट। जल्दी करो भाई। डिजाइन बड़ा ही सुंदर है, देखिए ये खोलते हैं है, प्रिंट होने के बाद पेपर सपोर्ट देने वाला ट्रे है, फिर प्रिंटर पे वही फीचर्स दिखेंगे। आखिरी फीचर्स देखिए आप, एचपी स्मार्ट ऐप की मदद से मोबाइल से भी प्रिंट स्कैन फैक्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सुपर कॉम्पैक्ट फास्ट ऑटोमेटिक टू साइडेड प्रिंटिंग डुअल बैंड वाईफाई। इसके साथ आपको एक यूएसबी केबल और पावर कॉर्ड ही मिलेगा। CD इसके साथ सप्लाई नहीं है बिकॉज प्लग एंड प्ले टाइप का प्रिंटर है। इन सम कंप्यूटर्स और सम सिस्टम्स यू नीड टू डाउनलोड ट्रे को, ऐसा बिल्कुल नहीं रखेंगे, इन्होंने उल्टा रख दिया है। ये पेपर कवर वाला ट्रे है, तो पेपर को आपको कवर करना है, जस्ट पुट द ट्रे अपोजिट। अब लीड को, ऊपर की लीड को ओपन करते हैं। देखिए आपको कार्ट्रिज मिलो 137A मॉडल का, राइट 137A लेजर जेट, ये कार्ट्रिज इसमें फिट होगा। एक कंपोजिट टाइप का कार्ट्रिज है, मींस ड्रम और ड्रम यूनिट और टोनर यूनिट दोनों एक ही में मिलेंगे आपको। अगर खोल के देख लेते हैं, वापस कार्टेज रखते हैं और लेट्स स्टार्ट द प्रिंटर। देखिए पीछे पावर केबल, पहले पावर केबल को कनेक्ट करते हैं। पावर केबल रेगुलर पावर केबल ही है, पीछे ही आपको स्लॉट मिल जाएगा। देन ऊपर देखिए आपको ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, लैन पोर्ट है, और साथ में ही यूएसबी बी टाइप पोर्ट उसके ऊपर, जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ऑन करते हैं अब। देखिए ऑन होने पर किसी भी बटन पर लाइट नहीं दिखेगी आपको, ये अजीब सा फीचर है। बट इसका दूसरा जुगाड़ ये है कि नीचे बड़ा ही प्यारा सा इंडिकेटर दिया हुआ है स्टेटस के लिए, सामने बिल्कुल लाइट है, बड़ा स्मार्ट सा लाइट प्रतीत होता है। ऊपर वाईफाई का बटन है, वाईफाई डायरेक्ट का। अब चलिए इसको डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं।
इसमें कोई ड्राइवर नहीं दिया गया है, मतलब ये प्लग एंड प्ले टाइप का है, बट कुछ सिस्टम प्लग एंड प्ले सपोर्ट नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसमें वो ड्राइवर नहीं होंगे, बाकी बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो उस केस में आपको उसके वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज इसके साथ सीडी तो नहीं दी गई है, तो आपको एचपी के वेबसाइट से जाके इसके ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये देखिए, यूएसबी कनेक्ट करने से आपको कंट्रोल पैनल में प्रिंटर ड्राइवर दिखने लग जाएगा। आइए अब इसके वाईफाई फीचर को यूज़ करके देखते हैं। तो दूसरे नंबर के आई इन्फॉर्मेशन बटन को लगभग 5 सेकंड के लिए दबा कर रखिए, फिर नीचे के सारे बटन्स पर लाइट जलने लगेंगे। ये देखिए चालू हो गए। अब ऊपर के वाईफाई और नीचे के एरो बटन, राइट, उसको 3-4 सेकंड के लिए एक साथ दबा कर रखना है ना। जब बटन की लाइट बंद हो जाए तब हमको छोड़ना है, आई बटन की जो लाइट है वो बंद होने से हमको छोड़ देना है, ठीक है। इस बार डाउन एरो को, अब डाउन एरो को 2 सेकंड के लिए हाँ प्रेस करिए, फिर आपको SSID और उसका पासवर्ड का प्रिंट आउट दे देगा प्रिंटर। मतलब इतनी सिक्योरिटी है, बाहर वालों को नहीं देखेगा। ये स्टेप करने से आपको SSID और उसका पासवर्ड ये एक पेज में प्रिंट प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे ये प्रिंटर। हो रहा है, लेट्स सी। हाँ, जैसे ही आपको SSID और पासवर्ड मिल जाएगा, देन यू कैन सेट अप योर मोबाइल। ये देखिए, इस पेज पे आपको SSID एंड पासवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैनुअल में भी आपको QR कोड मिलेगा, उससे भी आप मतलब सेट कर सकते हैं फिर वाईफाई कनेक्टिविटी इस प्रिंटर के लिए। चलिए, ये SSID और पासवर्ड यहाँ इसमें पुशअप करना चाहिए। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है। अब आपको मोबाइल अपना सेट करना पड़ेगा इसको कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैनुअल में दिए गए QR कोड को आपको मोबाइल में दिए गए किसी भी QR कोड स्कैनर की मदद से रीड या स्कैन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास QR कोड है, मैं उससे रीड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप रीड करेंगे, ये आपको HP स्मार्ट के वेबसाइट पर लेके जाएगा, जहाँ से आप गूगल प्ले स्टोर से HP स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना है आपको। तो आप सीधे प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग दिस QR कोड। ये देखिए, अब गूगल प्ले स्टोर पे आ गए हम। यहाँ से हमको डाउनलोड करना है। प्ले जैसे ऐप जैसे ही ओपन होगा, आपको सारे शर्त को एक्सेप्ट करते हुए एक्सेप्ट ऑल का बटन दबाना है, फिर आपको एक्सेप्ट ऑल। इन सारी शर्तों को मानना पड़ेगा पहले आपको, ये फाइनली तभी वर्क करेगा जब आप इसमें अकाउंट बनाएंगे। यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन अकाउंट इन HP स्मार्ट। चलिए ट्राई करते हैं हम बार। एड प्रिंटर क्या कुछ नहीं होने वाला, तो शायद हमको अब अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वाईफाई देखते हैं, इसका वाईफाई नहीं दिख रहा है हमको। ऑफ करके फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है HP का डायरेक्ट। तो वाईफाई इसका तुमको दिखने लग गया है, इस पर कनेक्ट कर दीजिए SSID जो प्रिंट आउट में जो आपको पासवर्ड मिला है उसको एंटर करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, हम वापस से प्रिंटर को सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये
ये है हमारा प्रिंटर डिटेक्ट होने लग गया। अब जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट हो जाए तब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या फाइनली अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, आप अपना डिटेल जल्दी जल्दी फिल करिए। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जस्ट क्रिएट योर अकाउंट। ये देखिए अब आपको फाइल्स दिखने लग जाएंगे। अब आप गूगल ड्राइव से या अपने मोबाइल पे स्टोरेज से कोई भी फाइल ओपन करके आप प्रिंट करने की कोशिश करिए। अभी भी कोई प्लगइन मिसिंग है, ये प्लगइन को आपको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएगा, एचपी प्रिंट सर्विस प्लगइन, ये डाउनलोड होने के बाद देन यू कैन प्रिंट योर डॉक्यूमेंट। वैसे ही प्रिंटर हम एक महीने से लगभग यूज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि पुराना मॉडल 1606 DM का एक रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास ये, एंड बिल्कुल हैसल फ्री वर्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इधर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट कि अगर टाइम हो आपके पास तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।